हमारे पिछले 5G अनलिमिटेड हॉटस्पॉट के सेटअप वाली वीडियो के ऊपर लोग अलग अलग की कमेंट कर रहे हैं कि हमारे वाले सेटअप से अच्छा एयर फाइबर न लगवा ले। वो बात अलग की है, कमेंट के अंदर ही बाकी लोग समझा दे रहे हैं कि क्यों वो चीज वर्थित नहीं है। खैर, इस वीडियो के अंदर हम टोटली कंपेयर करने वाले हैं जो हमारा सेटअप है, जिससे कि हम अनलिमिटेड वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, वो भी 5G वाला 100 Mbps की स्पीड के साथ। इसमें हमको सिर्फ रिचार्ज कराना पड़ता है अपनी एक सिम के ऊपर। अगर हम बड़ा प्लान लगते हैं तो हमारा एक महीने का बहुत ही कम खर्चा आता है। मीडियम रेंज पे रहे तो लगभग 200-300 रुपए का पर मंथ का खर्चा आता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं एयर फाइबर को, जिसमें हमारा कितना खर्चा आता है, कितनी स्पीड मिलेगी, क्या डाटा प्लान्स हैं, टोटल क्या खर्चा होगा, और इन दोनों ही चीजों को कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा सेटअप वर्थित है या फिर एयर फाइबर। जो लोग हमारे ऐसा सेटअप चलाते हैं वो लोग तो ये भी बोल रहे थे कि भैया इस सेटअप को एक्सपोज मत करो, कहीं एयरटेल जियो वालों को पता चल गया तो लिमिट लगा देंगे डाटा पे। क्योंकि जब आप देखोगे एयर फाइबर के नेटवर्क के ऊपर जो भी आप प्लान लेते हो, वहाँ पर आपको 1000 GB की लिमिट मिलती है। आप 1000 GB ही इस्तेमाल कर सकते हो महीने के अंदर, पर यहाँ पर लिमिट नहीं है, क्योंकि जो सिम चल रही है वो 2 GB के ऊपर का जो भी आप डाटा प्लान परचेस करोगे मंथली का, उसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा। अब हम एक सिम से कितना ही डाटा उड़ाएं वो अनलिमिटेड है दोस्तों। खैर, प्राइस पे चलते हैं तो अभी यहाँ पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं जियो की वेबसाइट के ऊपर। एयर फाइबर के ऊपर हमने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर आप डाटा पैक्स देख सकते हो क्या क्या है। 599 प्लस GST, 899 प्लस GST, 1199 प्लस GST। अब जो एक मिनिमम प्लान हम लेकर के चलेंगे, जिससे कि हम कंपेयर करेंगे कि हमको कितना खर्चा हमारे सेटअप में आ रहा है, कितना खर्चा आपको एयर फाइबर में आ रहा है भाई। तो 599 प्लस GST लगभग 707 रुपए आपके बनेंगे। यहाँ पर आपको 30 Mbps की स्पीड नजर आएगी। हमारा जो सेटअप है वो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 100 Mbps तक का सेटअप पूरी तरीके से जाता है जब लोड नहीं होता। अभी स्पीड टेस्ट करके हम आपको दिखा देते हैं कितनी स्पीड जा रही है। फिलहाल अभी शाम का समय है तो हो सकता है स्पीड थोड़ी कम आए, नेटवर्क पे लोड थोड़ा ज्यादा रहता है इस टाइम पे। तो अभी ये स्पीड आ रही है 100 Mbps तक की स्पीड यहाँ पर आती है हमारे सेटअप से। तो हम लगभग यही वाला प्लान देखेंगे जहाँ पर हमको 100 Mbps की स्पीड मिले, जो कि है 899 प्लस GST। ऊपर वाला भी है पर उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ज्यादा पर वेरिएंट ज्यादा, उससे अपने को क्या लेना देना। 899 प्लस GST भैया कैलकुलेट कर लो, 161 रुपए, लगभग 1061 रुपए आपका एक महीने का प्लान यहाँ पर बैठेगा अगर आप एयर फाइबर लगा रहे हो। अब देखो, हमको वहाँ ना ये मत देना कि भाई यहाँ पर हमको यहाँ पर OTT का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 15 OTT सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, 800 से ज़्यादा डिजिटल चैनल मिलेंगे। भाई हम नहीं को नहीं देखना, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमको ये भी उम्मीद है कि तुम्हारी भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो साथ में बेच रहे हैं, चेप रहे हैं तो चेप रहे हैं भाई, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए, मल्टीपल डिवाइसेस पर चले, सबके पास फ्री का इतना कंटेंट है कि वही नहीं देखा, सब्सक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं हमको। तो लगभग ये खर्चा आया एक महीने का। यहाँ पर लिखा है कि 6 महीने से 12 महीने तक का आपको प्लान लेना होगा भाई, तभी तो आपके यहाँ इंस्टॉलेशन फ्री होगा, वरना इंस्टॉलेशन के चार्ज देने पड़ेंगे आपको। तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, हम 6 महीने से कम मिनिमली 6000 का तो आपका सेटअप ऐसे ही बैठ रहा है, ऊपर से आपका पर मंथ का खर्चा भी ज्यादा जा रहा है। एक बार में आपको इतनी इन्वेस्टमेंट तो लगानी ही लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा और खर्चा करके हम इससे बेटर प्लान ना ले लें। और आपका सिस्टम कोई भागा थोड़ी जा रहा भाई, एयर फाइबर का जो इंस्टॉलेशन लगेगा उसका चार्ज डालोगे आप 6 महीने के बाद, अगर आपको छोड़ना पड़ जा रहा है या फिर 6G आ जाता है या फिर कुछ भी आ जाता है। तो हमारा जो सेटअप बना हुआ जिससे हम इंटरनेट चला रहे हैं उसको हम 4G के जमाने से चला रहे हैं, 6G आएगा तब भी यही सेटअप चलाएंगे, हम चेंज नहीं करने वाले, बस अनलिमिटेड बना रहे हैं। लिमिटेड खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा अपने तो बना लेते हैं। तो अभी मोटे मोटे तौर पे 6 महीने का या 12 महीने का अगर हम अपना सेटअप बनाते हैं तो कितना खर्चा आता है रिचार्ज के ऊपर या फिर पूरे सेटअप के ऊपर। अभी तो ये 6 महीने का खर्चा है एयर फाइबर का, अगर हम इसको 12 महीने बना दें मल्टीप्लाइड बाई 2 तो लगभग 12,729 रुपये। तो एक साल का पूरा प्लान लेकर के चलते हैं तो आराम से सेटलमेंट बना रहेगा। तो भाई फिर से हम जियो के ही वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पर प्लान्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बेसिक जो प्लान है जो हर कोई कराता है अपने सिम के ऊपर वो ये है, 859 रुपीज़ में 84 डेज मिलते हैं। तो ये वाला प्लान अगर हम कराएंगे तब हमको कितने का बैठेगा, 10 रुपये पर डे का खर्चा, 30 दिन से सीधे गुणा करते हैं 306 रुपये। वहाँ पर मैंने 28 दिन का जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर हम 30 दिन पूरा प्रॉपर जोड़ रहे हैं, तो भाई 306 रुपये का महीने का खर्चा आ रहा है हमारा। तो 12 महीने का कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई 12, 3,681 रुपये का खर्चा आ रहा है हमारा 3 महीने का डाटा पैक के नाम पर। बाकी के जो हमारे 9,000 रुपये में अच्छा खासा सेटअप बन जाएगा दोस्त। और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हमको सिर्फ पहली साल ही करनी, उसके बाद नेक्स्ट जो अगला साल आएगा उसमें आपको 3,681 रुपये ही देना है, आपका पूरा एक साल इंटरनेट चलेगा। वहीं पर अगर आप जियो फाइबर के साथ में जाते हो तो वहाँ आपका खर्चा आएगा टोटल कितना जोड़ा था, 12,000 रुपए। तो समझने का प्रयास कीजिए, हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। देखो दोस्त, ज्यादा परेशानी मत पालो, कोई दुविधा वाली बात नहीं। अगर आप एयर फाइबर का भी इस्तेमाल कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे एयर फाइबर पूरी तरीके से बेकार है, नहीं, एयर फाइबर का भी अपना उपयोग है।
लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके भी इंटरनेट को चलाया जा सकता है। हमको बहुत परेशानी हुई इस सेटअप को ढूंढने में कि कैसे हम अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर पाए अपने मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर, कैसे एक ही सिम से हम सारे डिवाइसेस को कैमरा पीसी लैपटॉप मोबाइल 15 मोबाइल 4 मोबाइल 10 मोबाइल को कैसे कनेक्ट कर पाए। तो ये शेयर करना बनता। अब हमारे यहाँ तो एयर फाइबर भी नहीं आया था जब हमने ये सेटअप लगाया था। आया क्या था, अभी एक दो महीने पहले ही आया था। और इनसे जब कॉल पे बात करते हैं, भैया एयर फाइबर में और जो 5G वाला है इसके अंदर कोई स्पीड में चेंजेस है, मतलब कि एयर फाइबर में स्पीड ज़्यादा मिलती हो या फिर सिम में ज़्यादा मिलती हो, तो बोलते हैं भाई नहीं, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है, आप कस्टमर केयर पर बात करके देख लो, स्पीड हमको वही मिलने वाली, बस हमको एक्सेस मिल जाएगा कुछ चैनल्स का, चैनल हमको नहीं देखने। आपको चैनल देखने हो आपके लिए जियो फाइबर बहुत अच्छा है, अच्छे से अगर एक्सेसेबल हो आप लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक कहीं कहीं नहीं आया, कहीं गांव में नहीं आया, आपको इसलिए नहीं मिल पा रहा। तो निराश होने की जरूरत नहीं है भाई, सेटअप हमारा बहुत ही अच्छा है। सेटअप वाली वीडियो आपको देखनी हो यहाँ आई लिंक के ऊपर आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से सेटअप की पूरी वीडियो देख सकते हो कि हमने सेटअप के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की। ओवरऑल इस वीडियो का तात्पर्य ये है, अब दोबारा मत बोलना कि भैया हम आपके सेटअप की जगह पर हम एयर फाइबर लगा लेंगे, वो वाला हमको सस्ता पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा। पैसा तुम्हारी जेब में ज्यादा कूद रहा हो तो भाई कोई नहीं रोक रहा तुमको, हम ठहरे भाई गरीब आदमी, जैसे जुगाड़ जुगाड़ करके हमको इंटरनेट मिल जाता तो हम चला लेते हैं। फिलहाल ऑनलाइन देख पा रहे हैं कि 5G के नाम के जो राउटर हैं वो इंडिया के बाहर चल रहे हैं, मिल रहे हैं, बिक रहे हैं, सारा काम हो रहा है, पर इंडिया के अंदर कोई भी खास 5G राउटर नजर नहीं आ रहा, और नजर आ रहा तो सिम सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी हाल ही में एक राउटर मिला है ZTE F50, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे देंगे, अगर किसी ने भी उस राउटर का इस्तेमाल किया हो, सही से चल रहा हो, हमको बताइएगा कैसा यूजर एक्सपीरियंस है आपको उसको लेकर के, और क्या इस वाले राउटर से हम अपनी डाटा केबल अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके USB टेथरिंग के थ्रू अपने लैपटॉप पे इंटरनेट चला सकते हैं। अगर हाँ तो अपना बताइएगा ओपिनियन कि हाँ चल रहा है नहीं चल रहा है। वैसे इसकी रिव्यू वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे, फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मिल जाएगा तो हम बताते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना भाई साहब, अगर जियो वालों तक ये स्कीम पहुंच गई कि हम ऐसा इंटरनेट चला रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, बंद हो जाएगा सब कुछ। ये वाले भाई का डर सही है, आपकी नज़र में कोई राउटर हो जो कि 5G की सिम को चला दे, सपोर्ट नहीं करे, चला दे पूरी तरीके से, तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।